आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी की मठरी, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही हेल्दी है। एक बार ज़रूर आप भी बना के ट्राई करिएगा। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल त्रिसोनीस किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं नमकीन मठरी। मीठी मठरी की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अगर आप नहीं देखे हैं तो इसको जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। कितने लोगों को मीठी नहीं पसंद होती, तो आज मैं इसको नमकीन मठरी बना रही हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। मुझे रिक्वायरमेंट होगी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की, और सबके घर में ये हमेशा अवेलेबल रहता है, तो ये बहुत ही आसानी से और बहुत जल्द बन जाएगी। तो मुझे रिक्वायरमेंट होगी 1 कप सूजी और 1/4 कप सूजी। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया, मोटी सूजी थी मेरे पास तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे एक बार, तो ये एकदम महीन सूजी हो जाएगी। और 1/4 कप गेहूं का आटा, जिससे हम लोग रोटियां बनाते हैं, और 1/2 कप कसूरी मेथी। आप इसकी जगह करी पत्ता भी ले सकती हैं, मेरे पास करी लीव्स नहीं थी इसलिए मैंने कसूरी मेथी ले ली है। और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, आप इसकी जगह ब्लैक पेपर भी डाल सकती हैं। 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून नमक और 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। तो चलिए पहले इसके डो को हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक बड़ी थाली लेंगे ताकि उसमें अच्छे से हम मिक्स कर सकें। तो सूजी लेंगे हम सबसे पहले। हम आपको मेज़र करके दिखा रहे हैं कि कितना है ये। आप किसी भी कटोरी से, आप इसको ज़रूरी नहीं है कि आप मेज़रिंग कप से ही आप इसको लें। आपके पास मेज़रिंग कप नहीं है तो आप एक कटोरी को मेज़रमेंट की तरह बना लीजिए, 1 कप, और ये थोड़ा सा, ये 1/4 कप, 1/4 कप सूजी, और ये 1/4 कप आटा। आटा हम, अगर थोड़ा सा डो टाइट रहेगा या लूज़ रहेगा तो थोड़ा सा और हम आटा इसमें मिक्स कर सकते हैं। कसूरी मेथी को हाथ में लेके थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे क्रश करके डालना है। कसूरी मेथी को हाथ में लेके ऐसे क्रश करके इसको तब इसमें डालेंगे। अगर आपके पास करी लीव्स है तो उसको भी आप डाल सकते हैं। अजवाइन, जीरा, चिली फ्लेक्स। तो अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। अब इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। आप एकदम महीन सूजी लीजिएगा तभी बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा इसमें। मोटी सूजी लेंगे तो अच्छा टेक्सचर नहीं आएगा, आप बेल नहीं पाएंगे। अगर मोटी सूजी होगी तो आप एक बार ग्राइंड कर लीजिएगा। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें हल्के गर्म पानी से इसको गूंथेंगे। पानी ये हल्का गर्म है, इसको थोड़ा थोड़ा डाल करके हम एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। सॉफ्ट इसलिए बनाएंगे क्योंकि सूजी ये थोड़ी फूलती है। फूलने के बाद इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा और पानी डालेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा आप लोग डालिएगा, एक साथ पूरा मत डालिएगा। पानी थोड़ा हल्का गर्म रहना चाहिए। हल्के गर्म पानी से आप इसको गूंथेंगे तो बहुत ही अच्छा ये एकदम गूंथ जाएगा। बड़ी थाली में आप इसको अच्छे से इसको मल सकते हैं। देखिए अब ये डो बन करके बिल्कुल रेडी है, एकदम सॉफ्ट डो बना है। इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए। 1 कप मैंने पानी लिया था, इसमें 1/2 कप यूज़ हुआ है और 1/2 कप बच गया है। तो ये 10 मिनट हो गए हैं हमको रखे, तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। तो ये एकदम अच्छे से ये सेट हो गया है। इसमें ना ही पानी डालने की ज़रूरत है, ना ही कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको रखेंगे साइड। तो हम थोड़ा सा इस पर ऑयल लगा देंगे। तो हम एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं, इसको ज़्यादा ऐसे राउंड नहीं करेंगे, अनइक्वल शेप बनाएंगे। इस पे ऐसे रख कर के भी आप बना सकते हैं और इसको हल्का सा बेल भी सकते हैं, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं। अनइक्वल शेप मठरी बहुत अच्छी लगती है देखने में उनकी, तो वैसे ही आप इसको बना सकते हैं। एक हम आपको बेलन से बेल करके दिखा रहे हैं, इसको आप बेल भी सकते हैं। आपको जैसा शेप पसंद है वैसा आप इसको बना सकते हैं। आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं। एक बड़ा डो लेकर के, जैसे मैंने मठरी मीठी वाली बनाई थी, इसको बड़ा सा रोटी के जैसे बेल करके इसको कटोरी से या रिंग कटर से काट करके इसको वैसे भी आप बना सकते हैं। तो हम बनाएंगे इसको अनइक्वल शेप, छोटे छोटे पोर्शन को लेकर के इसको हाथ से ऐसे ऐसे हम बनाएंगे। आपको जैसे पसंद है वैसे आप बनाइए।
फिर इसको फोक से प्रिक कर लेंगे। इसमें अगर आप मिर्ची नहीं खाना पसंद करते तो आप मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं, केवल जीरा, नमक, अजवाइन और कसूरी मेथी आप डाल सकते हैं। ऐसे ही सारे हम मठरी बना करके रेडी कर लेंगे। मैंने मठरी बना करके पूरी रेडी कर दी है। चलिए अब इसको हम तलते हैं। गैस ऑन करके मैंने एक कढ़ाई रख दी है, मोटे तले की कढ़ाई लेंगे और उसमें मैंने तेल डाल दिया है। तेल हल्का गर्म हो गया है तो चलिए इसको चेक करते हैं पहले हम थोड़ा सा। तो देखिए ये बबल्स इसमें से निकल ले, बस इतना ही हमको गर्म ऑयल चाहिए, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा कम। तो इसको निकाल देंगे हम। तो चलिए एक एक करके हम इसमें मठरी को तलते हैं। फ्लेम को एकदम लो पे रखेंगे ताकि एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। चार चार पांच पांच इसको अभी तुरंत छुएंगे नहीं, थोड़ा सा इसको क्रिस्पी हो जाएगा तब हम इसको फ्लिप करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से ये एकदम क्रिस्पी हो गया है। एकदम लो फ्लेम पे आपको इसको क्रिस्पी करना है। अब हम इसको निकाल देंगे। अब इससे ज़्यादा इसको हम क्रिस्पी नहीं करेंगे, नहीं तो इसमें और डार्क कलर अच्छा नहीं लगेगा। साइड में ऐसे करके थोड़ा थोड़ा हम इसको निकाल देंगे। तो देखिए कितना सुंदर कलर आया है ये, और ठंडा होने के बाद और थोड़ा डार्क हो जाएगा। ऐसे ही हम सारे मठरी को तल देंगे। गैस की फ्लेम को ध्यान रखिएगा आप लोग, एकदम लो पे रहेगा और थोड़ा थोड़ा जब ये हल्का सा वो क्रिस्पी हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अब हम इसको देखिए हल्का हल्का क्रिस्पी हो गया, अब हम इसको फ्लिप कर देंगे। आप इसमें 8-10 भी अच्छे से तल सकते हैं, इसमें टूटने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। जब ज़्यादा डालिएगा तो बस फ्लेम को थोड़ा सा आप हाई कर सकते हैं। तो देखिए ये बहुत अच्छे से ये अब क्रिस्पी हो गया। अब हम इसको निकाल देंगे, दोनों तरफ फ्लिप करके देख लेंगे। ये बहुत अच्छे से अब क्रिस्पी हो गया है। अब हम इसको साइड में ऐसे करके निकाल देंगे। तो हम आपको एक तोड़ करके दिखाते हैं ये कितना टेस्टी और कितना क्रिस्पी ये बना है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी, चाय के साथ तो बहुत ही अच्छा लगेगा इसको खाने में। तो ये सूजी की मठरी बन करके बिल्कुल रेडी है और बहुत ही टेस्टी ये मठरी बन करके रेडी हुई है। आप इसको एक बार बना लेंगे तो मैदे की मठरी खाना भूल जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है, ज़रा सा भी ये कोई भी नुकसान नहीं करेगा। मैदा तो बहुत नुकसान करता है, सूजी बिल्कुल नुकसान नहीं करेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।